हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ए के पब्लिक स्कूल गुरुकारो। आज क्लास 5 का कंप्यूटर में चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इसका नाम है ऑब्जेक्ट इन वर्ड 2013। चलिए स्टार्ट करते वरना। देखिए, इससे अगर पहले हम लोग क्या सीखे थे, इंसर्ट ए वर्ड आर्ट, हम लोग डायरेक्ट लैपटॉप में करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर इंसर्ट कहाँ लिखा हुआ है बताइए, आपका इंसर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन आता है ना, तो वहाँ जाके हम लोग का करना है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट का आपको यहाँ पर कहीं साइन दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला जो ए है, ये वाला ए, इसको कहते हैं वर्ड आर्ट। देखिए इंसर्ट है, वर्ड आर्ट आया, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका वर्ड आर्ट का स्टाइल आएगा, बहुत तरह का स्टाइल, तो हम लोग को चूज जो करना है, जो चाहे कर सकते हैं। जैसे हम ये वाला कर लिए, देखिए तो आपका टेक्स्ट में आपका पेन होल्डर आया, प्लेस होल्डर आया। तो देखिए ये प्लेस होल्डर में आपका देखिए, इस पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं जो आपका बुक में दिया हुआ है। पहले हम लोग उसको इरेज करेंगे बैक स्पेस से, जो टेक्स्ट को हमको लिखना है। जैसे आपका टेक्स्ट में लिखा हुआ है बुक में, जो पेज नंबर 36 है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ही लिखेंगे। स्मॉल है तो हम लोग उसको ग्रेटर देन कर देंगे, कैसे, बैक ब्लॉक को ओपन करके उसको, फिर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट लिख लिया। देखिए ना, माइक्रोसॉफ्ट लिख के देखिए वही स्टाइल में लिखाया है। ये पेन होल्डर हुआ, प्लेस होल्डर, तो हम लोग क्या करें, प्लेस होल्डर को बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से। इसको आराम से इस टाइप पर क्लिक करेंगे तो हम लोग उसको होल्ड करके यहाँ पर से देखिए इतना बड़ा करना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ये इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको बेस को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर लेटर छोटा होगा, जैसे हम लोग लिख लिए इसको माइक्रोसॉफ्ट टू कंपनी लिख दिए, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर लिख दिए, चलो इसमें कंप्यूटर देखिए ऐड गया। इस तरह से हम लोग प्लेस होल्डर को बड़ा करके इसमें और बड़ा ज़्यादा वर्ड लिख सकते हैं। अब है इसका वर्ड आर्ट फॉर्मेट। देखिए वर्ड आर्ट फॉर्मेट में आपका दिखाए थे हम, इसमें क्या है, इसमें आपको दिखाएगा फॉर्मेट, ये वाला हम लोग जाएंगे फॉर्मेट वाला आएगा, ये फॉर्मेट में हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका देखिएगा बुक में आपका बिल्कुल दिया हुआ है, बिल्कुल सेम जो पेज नंबर 76 का लास्ट में दिया हुआ है पैराग्राफ में, ये वाला ऐसा वाला बॉक्स रहेगा। तो ये वाला आपका क्या हुआ, देखिए ये आपका टेक्स्ट फील है, कलर का, कलर को टेक्स्ट फील इस कलर में होगा, ये आपका आउटलाइन होगा टेक्स्ट का, और ये आपका क्या होगा, टेक्स्ट इफेक्ट होगा। चलिए करके देखते हैं, पहले हम लोग टेक्स्ट फील देखेंगे। हम लोग क्लिक करें यहाँ पर ये वाला छोटा सा जो इसका ये रेक्टेंगल है, देखिए खुलते ही आपका बहुत सारा कलर आ गया है। यहाँ पर हम लोग चाहे तो बहुत सारा कलर डाल सकते हैं। हमको उसको चेंज करना है तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसको फॉर्मेट को। से हमको ये वाला ले लिए, ठीक है, इसको हम चाहें कलर चेंज करना, ठीक है। तो अब कल देखिए कलर चेंज हो गया ना, तो हम लोग अगर इसमें बहुत सारे कलर चेंज करना चाहिए, देखिए येल्लो ब्राइट येल्लो कर लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग चाहेंगे कि इसको सिलेक्ट करके हम लोग दूसरा आपका आउटफिट हम लोग को क्या करें, चेंज करें आउटफिट, हम लोग उसको दूसरा देखिए रेड करें, तो आउटफिट उसका देखिए आउटलाइन जो है वो आपका रेड हो गया है। इस तरह हम लोग को उसको शेडिंग करना चाहिए अलग से, तो हम लोग उसको यहाँ पर से जैसे शेडो हुआ इफेक्ट, शेडो इफेक्ट हम लोग देना चाहें तो उसमें लेटर को देखिए शेडो इफेक्ट इफेक्ट आ रहा है, शेडो आ रहा है, ग्लो आ रहा है, और फिर बहुत सारा रिटेशन भी आ रहा है और ट्रांसफर में आ रहा है कि हाँ लेटर को कहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं, अलग अलग कंटेंट्स में अलग अलग स्टाइल में लिखा सकते हैं। ये वाला अलग अलग टाइप का देखिए लेटर लिखा रहा है, देखिए इस तरह करिए तो आपको लेटर इस तरह का लिखा गया। यहाँ तक आपका आपका वर्ड आर्ट इंसर्ट हो चुका है, जो आपको बुक में भी हम समझाए थे जो पेज नंबर 67 तक है। तो इस तरह से हम लोग को क्या कर सकते हैं, वर्ड का अलग अलग फॉर्म अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आपको भी यहाँ पर
ये भी है ना, ये गाइडिंग दिया था। देखिए ये भी है वर्चुअल में, इसका भी अलग से इफेक्ट आता है इसका। यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं चेंज, है ना, यहाँ चेंज कर दिया। अगर देखिए आपका आया था हम लोग नो है ना आउटलाइन, देखिए लोअर आउटलाइन, मतलब आउटलाइन में जाएंगे, यहाँ पर लोअर आउटलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर आउटलाइन मिट जाएगा, है ना। अगर इसको हटा देंगे तो आउटलाइन आ जाएगा। देखिए इसके मोर आउटलाइन कलर का देखिए अलग अलग कलर भी है, तो हम लोग यहाँ पर चूज भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग अलग कलर चूज करके ओके करें तो आपका कलर जो है चेंज हो जाएगा, देखिए है ना चेंज हो गया ना। तो उसी तरह से बहुत सारा से कलर और उसमें फिल कर सकते हैं आपका वर्ड आर्ट को लेके। चलिए ये आपका यहाँ तक आपका वर्ड आर्ट इंसेट वर्ड आर्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो बुक से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।